देख रहे हैं पीडी दिसंबर 2024 का संपूर्ण विश्लेषण होने वाला हम लोग का संक्षिप्त विवरण के साथ। देखेंगे पहला आता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम वैसे मैंने पेज बाय पेज करा दिया है, बट इसका जो संक्षिप्त वर्णन है आज हम लोग करने वाले हैं। आइए संपूर्ण विश्लेषण के साथ होगा पूरे बुक, ठीक है। देखिए पहला है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में क्या हुआ है। दोस्तों विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है वर्तमान में, तो यह जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी यह कब हुई थी, 16 अगस्त 2024 को हुआ था। टोटल सदस्य वहां पे कितने हैं दोस्तों, 90, ठीक है ना, 90 सीटों के लिए हुआ है वहां पे। और कितने चरणों में हुआ है, 3 चरणों में हुआ है, 18 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक यह मतदान हुआ है वहां पे। और मतगणना हो गया है दोस्तों वहां पे कब, तो 8 अक्टूबर को हो गया वहां पे 2024 को, परिणाम आप ही आ गया, ठीक है। और परिणाम जब आया तो वहां पे सरकार गठबंधन की बनी, और वो सरकार जो बनी है किसका, तो वह सरकार बनी है जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस है यहाँ पे, ठीक है। JKNC का मतलब यहाँ पे दोस्तों है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस और प्लस एक जो है ये माकपा, ये इन तीनों जो पार्टी का गठबंधन बना है तब जाके यहाँ पे सरकार बना है। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला बने हैं, 16 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण करे हैं। प्रथम मुख्यमंत्री आप जानेंगे जम्मू कश्मीर के कौन थे पहली बात, वो कब, तो 1965 के करीब में। इनका नाम था गुलाब मोहम्मद सादिक था, जो कांग्रेस के थे, और 30 मार्च 1965 से लेकर 12 दिसंबर 1971 तक ये प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे JNK का, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो गुलाम मोहम्मद सादिक थे। अब आते हैं देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि बीजेपी को कितना सीट मिला था दोस्तों, तो ये भी आप जान लीजिए कि बीजेपी को सीट कितना मिला था यहाँ पे, ठीक है। तो आप इनका जानेंगे तो पता है कितना मिला था उनको, जो है 29 सीट मिले थे, कितने 29 सीट पे इन्होंने दर्ज जीत करा था। आम आदमी पार्टी को एक ही मिला है, निर्दलीय यहाँ पे 7 जीता है, ठीक है ना। अगला जो देखेंगे तो हरियाणा में भी अभी विधानसभा चुनाव हो रही है, देखिएगा हरियाणा के, हरियाणा में जो दोस्तों यहाँ पे विधानसभा जो हुआ है, यहाँ के राज्यपाल है कौन है, तो बडरू दत्तात्रेय है हरियाणा के। और देखिएगा इसमें टोटल सदस्य है यहाँ पे भी 90 सीटों का सदस्य है। लगातार तीसरी बार जो है बीजेपी की ही सरकार बनी है हरियाणा में, और यहाँ पे सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, प्रथम सीएम यहाँ पे देखिएगा हरियाणा में, तो प्रथम सीएम थे भगवत दयाल शर्मा थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, कब, 1 नवंबर 1966 से लेकर 24 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के। और यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो है 89 सीटों पर दोस्तों बीजेपी ने लड़ा है, ठीक है ना, और जीता कितना है, तो प्राप्त किया है 48, है ना, 48 सीट प्राप्त किया है, जबकि कांग्रेस भी 89 सीट पे लड़ा था और कांग्रेस प्राप्त किया है 37, ठीक है। और जो वहाँ के इंडियन नेशनल लोकल दल है वो 51 सीट पे लड़ा था, जिसमें मात्र उन्होंने 2 ही सीट दर्ज किया है, और बाद बाकी वहाँ पे कोई भी जीत नहीं पाया निर्दलीय, वहाँ पे 3 सीट जीता है। अगला जो देखिएगा महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पे भी विधानसभा चुनाव हो रही है, ठीक है। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र और झारखंड के देखिएगा तो यहाँ पे जो चुनाव हुई है, पहले महाराष्ट्र के हम देख लेंगे, टोटल सदस्य यहाँ पे कितने हैं, तो 288 है। कितने चरणों में हुआ है दोस्तों, तो मात्र एक ही चरण में 288 सीटों के लिए हुआ है, और वो 20 नवंबर को हो गया। मतगणना जो है दोस्तों यह 23 नवंबर को होगी और 20 नवंबर को दोस्तों वहाँ पे एक ही चरण में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अब देखिए झारखंड का, इसमें सदस्य कितने हैं, 81, और यह कितने चरणों में होगा, 2 चरणों में होगा, 13 और 20 नवंबर को होगा, मतगणना होगा 23 नवंबर को, जिस दिन महाराष्ट्र की मतगणना होगी उसी दिन मतगणना जो होगी झारखंड की भी होगी, ठीक है। मतगणना दोनों का सेम दिन होगा, बट इनका इलेक्शन जो होगा वो अलग अलग दिन होगा, जैसे एक ही चरण में इसका 20 नवंबर को हो जाएगा और इसका 2 चरण में होगा झारखंड का, एक होगा 13 और एक होगा 20 को। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो बता रहा है हम लोग के क्या, इस सर्वोच्च न्यायालय कुछ अपना फैसला सुनाया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या फैसला सुनाया है सर्वोच्च न्यायालय ने। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है, इसका फैसला है 17 अक्टूबर 2024 को सुनाया गया है, कह रहा है क्या इसमें कि 25 मार्च 1971 के बाद जो बांग्लादेश से आसाम में आए सभी प्रवासी को क्या कर दिया गया है, अवैध कर दिया गया है ना, वो मतलब कि उनको वैध नहीं किया गया है। अब देखिए वैध किनको किया गया है, 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में यदि कोई व्यक्ति आए हैं उन सभी को धारा 6(a) के तहत, वो सिटीजनशिप एक्ट होता है जो नागरिकता अधिनियम है, उसके 6(a) के तहत जो है उनको वैध करार किया जाएगा, ठीक है। कब से कब तक दोस्तों, तो 1 जनवरी 1966 से लेके
और 25 मार्च 1971 के बीच में यदि कोई बांग्लादेश से या पड़ोसी देश से आया है तो उनके लिए जो है यह नागरिकता अधिनियम वैध है। बट उसके बाद जो दोस्तों यदि 25 मार्च के बाद यदि 26 मार्च को आपने 1971 में आए हैं तो आपके लिए क्या होगा, वो वैध नहीं करार दिया जाएगा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पाकिस्तानी सेना ने बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए जो है ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, और ये ऑपरेशन सर्चलाइट कब शुरू किया दोस्तों, तो 26 मार्च 1971 को, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है आपका क्या कि 5 और भाषाओं को जो है शास्त्रीय दर्जा मिल गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो देखेंगे इसका प्रस्ताव जो है पता है कब पारित हुआ है, इसका प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अक्टूबर को बैठक में यह मंजूरी दिया गया है, और जो है दोस्तों 5 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। अब कुल देश में टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई, 11 हो गई है। शास्त्रीय भाषाएं के बारे में एक बार थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तमिल बनता है 2004 में, उसके बाद संस्कृत 2005 में, तेलुगु बनता है 2008 में, कन्नड़ बनता है 2008 में ही, मलयालम 2013, उड़िया 2014, फिर 10 साल बाद दोस्तों ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। वो कौन कौन है, मराठी, पाली, प्राकृति, असमिया और बंगाली, ये 2024 में इनको क्या मिलता है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स क्या है। कह रहा है जेल में जातिगत जो भेदभाव हो रही है उसके कारण जो है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। देखिए क्या है, 3 अक्टूबर को आया है, ये 3 अक्टूबर को जो है फैसला आया है। इसमें क्या है, बोला जा रहा है कि जेल में जो जाति आधार पर कैदियों के नाम पर जो बंटवारा होना है वो असंवैधानिक है, वो कौन बताया है, सर्वोच्च न्यायालय बताया है। ये अनुच्छेद जो है दोस्तों किसका किसका उल्लंघन हो रहा है, तो अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 आर्टिकल का जो है उल्लंघन बताया है सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ है वो अपने इस फैसले में कहा है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव व छुआछूत समाप्त हो चुके हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि जो जेल मैनुअल में अभी भी यह शामिल है कि जेल में जाति आधार पर कैदियों के बीच में काम का बंटवारा करने का चिंता व्यक्त करते हुए नियमों का जो है उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला जारी किया है कि ऐसे नहीं कर सकते आपके यहाँ कि ये कास्ट के हैं तो इनको खाना बनाने के लिए दी जाए, ये कास्ट के हैं तो इनको यही करने के लिए दी जाए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो कह रहा है कि गाय को राज्य माता का दर्जा मिला है, गौ माता। देखिए कौन सा राज्य दिया है और पहला राज्य बन गया है वो, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है देसी गाय को राज्य माता का दर्जा मिला है, और वह कब मिला है, तो 30 सितंबर जो है 2024 को मिला है, 30 सितंबर 2024 को मिला है यह दोस्तों, और यह पहला राज्य बन गया है गाय को राज्य माता घोषित करने वाला, गौशाला। और इसने एक और भी फैसला करा है क्या दोस्तों, इसने ये एक फैसला किया कि गौशालाओं में जो पलने वाली जो गायें हैं उनके लिए 50 रुपया प्रति गाय का अनुदान भी दिया जाएगा, यह महाराष्ट्र सरकार का अनुदेश है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट्स क्या है। अगला फिर पॉइंट्स कह रहा है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक और रिपोर्ट क्या जारी किया है, इसने एक नया जो है वेब पेज जारी किया है। कौन जारी किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने नया एक वेब पेज जारी किया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, लैंडमार्क जजमेंट से जो है समरीज है, लैंडमार्क जजमेंट समरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप से याद रख लेंगे, ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट समरीज, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी एक नया वेब पेज है। और ये नया वेब पेज क्यों जारी किया गया है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं दोस्तों। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अनेक फैसले को जो देश भर में हम लोग क्या करते हैं, सुन नहीं पाते हैं कि हाँ कौन से फैसले कैसे रहे, और ये जटिल जो बहुत ही जटिल या फिर भारी कह सकते हैं कानूनी भाषा को फैसले लंबाई के चलते जो है आम नागरिकों के जो शीर्ष अदालत के फैसले समझने में मुश्किल होती थी, उसे महत्वपूर्ण फैसला के बारे में गलत जो धारणा थी उसको खत्म करने के लिए जो है इस कठिनाई को समाधान करने के लिए ये नया वेब पेज को शुरू किया गया है, है ना। और इसमें बताया क्या गया दोस्तों कि आप खुद इस वेब पेज को खोल करके जो भी कानून के प्रति जागरूकता इसको बढ़ाना है, ठीक है ना, इस वेब पेज से मतलब कि आप भी पढ़ सकते हैं इस धारणा को कि हाँ ये सारांश पढ़कर और सामान्य नागरिक इसको आसानी से समझ सकेंगे, इसमें ये बताया गया है। फैसला है कि सामान्य नागरिक को पढ़ने व समझने के लिए जो जारी किया गया है, इसी में आप पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ कौन सी फैसला कैसे रही है, बस ये वेब पेज को आपको खोलना है, लैंड जजमेंट समरीज। अगला देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये देखिए क्या है दोस्तों, अभियान जारी किया गया है उत्कर्ष अभियान, ये इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे यहाँ पे क्या है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। देखिएगा DAJGUA यानी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान,
इसकी शुरुआत जो होती है दोस्तों, यह 2 अक्टूबर 2024 को होता है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाता है। और यह कहाँ पे किया जाता है? हजारीबाग झारखंड से किया जाता है ना, हजारीबाग झारखंड से किया जाता है, पूरे देश में किया जाता है। या बहुल जनजातियों, मतलब जो एक गांव या फिर एक शहर या फिर एक राज्य या फिर एक जिले में जहां भी जो बहुल जनजाति रहती हैं, उनके समग्र विकास एवं सतत विकास के लेकर के दोस्तों यह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को शुरू किया गया है। और इसमें टोटल लाभान्वित जो गांवों की संख्या है पूरे देश भर में हम लोग की, तो उसमें पता है कितना है, 63,843 गांव है। और आपको बताए दोस्तों, टोटल 30 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में जो यह शुरू किया गया है। और टोटल जिलों की संख्या बता दें तो 549 है जिलों की संख्या, ठीक है। और ब्लॉकों का संख्या बता दें तो 2,911 है पूरे ब्लॉकों की संख्या भारत में, ठीक है। और इसमें जो है 5 करोड़ से अधिक जनजाति लोग जो है लाभान्वित होंगे। अब देखिए इसमें कुल परिव्यय कितना पर है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। इसमें कुल परिव्यय जो पर है 79,156 करोड़ रुपये का जो है कुल परिव्यय पर है, वह 22,823 करोड़ का जो है इसमें और भी पर है, ठीक है ना। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह मंजूरी कब मिला था दोस्तों, तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी दिया गया। ये अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के बारे में जानेंगे। ये क्या है नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान? देखिए इसकी शुरुआत जो होती है 2 अक्टूबर 2024 को होता है, और यह विश्व परिक्रमा अभियान इसको बोला गया है, विश्व परिक्रमा अभियान, ठीक है। ये 2 महिला अधिकारी जो है इसको पूरा कर रही है, नौसेना अधिकारी, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। देखिए ये किस पोत से विश्व परिक्रमा अभियान कर रही है, तो INS तारिणी से कर रही है। INS तारिणी जो है दोस्तों एक बार और जो है 2017 में कर चुका है ना, प्रथम बार यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रथम बार 2017 में INS तारिणी से ही विश्व भ्रमण हो चुका है। यह दूसरा संस्करण है, ठीक है। उसमें जो पहला बार संस्करण हुआ था उसमें कुल 6 महिलाएं थी, ठीक है। अभी जो है उसमें मात्र 2 महिलाएं हैं जो विश्व भ्रमण करने पे निकली है, वो भी INS तारिणी से ही गई थी। और टोटल दिनों का भ्रमण जो होगा ये वाला जो दूसरा संस्करण है इसमें 240 दिनों का होगा, लगभग आपको 40,000 किलोमीटर का भ्रमण होगा। और यह पता दे दोस्तों गोवा से इसको रिलीज किया गया है, गोवा से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से फिनलैंड और फिनलैंड से वापस फिर गोवा आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग ने राष्ट्रीय जो घटनाक्रम थी उसको हम लोगों ने तो कंप्लीट करा। अब जो नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या है दोस्तों, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाले। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो है पहला आता है SCO, है ना, शंघाई सहयोग संगठन, अति महत्वपूर्ण यह। तो देखिए SCO जो है ये जो दोस्तों आपको फुल फॉर्म जो लिखाया गया है यह CHG का है ना, ये CHG का है फुल फॉर्म। ये CHG क्या है, परिषद है, शासन अध्यक्षों का परिषद है ये दोस्तों, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अब देखेंगे यह इसका संस्करण जो था यह 23वां संस्करण है इस बार का, जो कहाँ पे हुआ है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में हुआ है। और इसकी स्थापना होती है 15 जून 2001 को होता है। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चीन में पड़ता है। कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है, जिसमें भारत जो है दोस्तों यहाँ पे जो गए थे भाग लेने वो विदेश मंत्री गए थे, डॉक्टर एस जयशंकर गए थे यहाँ पे भाग लेने, ठीक है। टोटल 10 देशों की संख्या है इसमें। अगला देखेंगे, इसमें पॉइंट बोल रहा है क्या कि 9 वर्ष के अंतराल के बाद जो है भारत की ओर से कोई पाकिस्तान की यह कोई पहली ही उच्च स्तरीय यात्रा है। ये जो ये बैठक हुआ है दोस्तों, इसमें जो है इस बैठक में जारी किया गया जो आपसी संबंध है उसमें जो है क्या क्या घोषणा किया गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जो है कारोबार और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना, आपसी मुद्रा कारोबार करने के लिए एक और चीज ये जारी किया गया है, जो आपसी मुद्रा को कारोबार करने के लिए SCO बैंक का स्थापना करने की भी बात कही गई है, है ना। और वन बेल्ट वन रोड जो है योजना ये कौन लाया है दोस्तों, OBOR जो है यह कौन लाया है, तो यह लाया है दोस्तों चीन लाया है, ठीक है ना। यह जो योजना चीन लेकर आया है, और भारत के अलावा हर सदस्य जो है यह चीन योजना का समर्थन किया है, लेकिन भारत ही इसका समर्थन नहीं किया है, बाकी सभी देशों ने इसका समर्थन किया है। अब देखेंगे 24वां जो होगा 2025 में वो कहाँ पे होगा SCO संगठन, तो वो होगा दोस्तों चीन में होगा, ठीक है। अगला देखेंगे आप, कह रहा है कि यूरोपा क्लीपर, ये क्या है यूरोपा क्लीपर, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग।
यूरोपा क्लिपर जो है दोस्तों, यह नासा के द्वारा भेजा गया एक अंतरिक्ष यान है। देखिएगा इसमें क्या है, यह बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया दोस्तों। अति महत्वपूर्ण बृहस्पति ग्रह के जो है अभी तक किसी नहीं भेजा है कि चंद्रमा के उसके अध्ययन के लिए, तो यह पहला जो है नासा के द्वारा भेजा गया है। इसका नाम है यूरोपा क्लिपर, और यूरोपा क्लिपर ही क्यों इसका नाम पड़ा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यूरोपा क्लिपर इसलिए नाम पड़ा ना दोस्तों, इसका ना ये बृहस्पति ग्रह का जो है दोस्तों एक चंद्रमा है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर है ना, उसको दोस्तों 49 टाइम्स में कितने दोस्तों 3 सालों में जो है 49 बार यूरोपा के नजदीक से गुजरेगा। इस कारण जो है इसका नाम यूरोपा क्लिपर रखा गया है। और यह 14 अक्टूबर 2024 को जो है रिलीज करा गया है। कहाँ? फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्थित जो है कैनेडी सेंटर से छोड़ा गया है। और यह किस रॉकेट से छोड़ा गया है दोस्तों, तो यह भी जान जाइए, एफ फाल्कन हैवी रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया गया, एफ फाल्कन हैवी रॉकेट से। और यह विश्व का पहला मिशन है दोस्तों। और बता दें दोस्तों 290 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके यह जाएगा 2030 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा। लगभग 5.5 वर्षों की यात्रा करके दोस्तों यह 2030 में जो है बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा। और बताएं दोस्तों बृहस्पति जो है, बृहस्पति ग्रह पे जो है अभी टोटल चंद्रमाओं की संख्या जानोगे तो वो कितने हैं, टोटल 95 हैं, जिसमें यूरोपा जो है दोस्तों ये चौथा सबसे बड़ा इसका चंद्रमा है। और इसका जो व्यास है पता दें, इसके व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, ठीक है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है यूरोपा जो है, तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया है यूरोपा क्लिपर। अगला जो है राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानेंगे, कॉमनवेल्थ गेम। यह होने वाली थी दोस्तों कहाँ पे, 23वां संस्करण है, आपको बताया 23वां संस्करण है इस बार का। और यह जुलाई 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक होगी 2026 में, ठीक है ना। आपको बता दें कि यह जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में यह होने वाली थी कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे होने वाली थी, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, बट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में न होकर के कहाँ पे हो रही है, ग्लासगो में होगी, स्कॉटलैंड में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में इसलिए नहीं वहाँ पे हुआ है ना दोस्तों कि यह खेल के जो बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए विक्टोरिया ने, वहाँ के विक्टोरिया ने मेजबानी से हाथ वहाँ पे खींच लिया है। बाद में ग्लासगो इसके लिए तैयार हुआ है, किंतु कम समय के लेकर के और बढ़ते हुए खर्च को हवाला देते हुए उसने आयोजन में क्या किया है, खेलों की संख्या को घटा दिया है। और वो खेलों की संख्या जो है कितना घटा दिया है, तो 9 खेलों को जो है उसने हटा दिया है ना, यहाँ पे मात्र 10 खेल होंगे टोटल जो है। इससे पहली बार जो 2022 में हुआ था बर्मिंगम में, वहाँ पे टोटल कितने खेल थे, तो 19 खेल थे, जिसमें से 9 खेल हटा दिया गया दोस्तों। और वो 9 खेल कौन कौन से है, इससे सबसे ज़्यादा झटका जो है दोस्तों किसको लगा है, हमारे इंडिया को लगा है। क्यों लगा है, तो देखिए उस गेम का नाम सुनेंगे तो आप खुद जान जाइएगा कि ये क्यों लगा है। उसमें जो है हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वाड है ना, और ट्रायथल और वॉलीबॉल, ऐसे और ये भी जो है वॉलीबॉल को, ये सबको रिजेक्ट करा गया है, ठीक है। 9 खेलों को जो है दोस्तों हटाया गया है, जिसके कारण भारत को सबसे बड़ा झटका लगा है और बहुत सारे देशों को लगा होगा, ये नहीं कि सिर्फ भारत को ही लगा है। मतलब जो भारत का परफॉर्मेंस रहा पिछले बार, वो आप देख सकते हैं कि कितना, कुल 61 पदक जीता था, जिसमें स्वर्ण पदक था भारत का 22 है ना। इस बार जो है 2026 में कुछ कम हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि खेलों की संख्या घट गई है, सभी देशों की संख्याएं घटेगी पदक में। यह 2022 में हुआ था इंग्लैंड बर्मिंगम में हुआ था, खेलों की संख्या 19 था, इस बार जो होगी 2026 में होगी, जो नेक्स्ट आने वाला है वो ग्लासगो में होगा, वहां पे खेलों की संख्या मात्र 9 रहेंगे, ठीक है। अगला जो देखिएगा, यह राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में जानेंगे, जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का जो है उन्होंने यात्रा किया है, उसमें 3 देश है, कौन कौन अफ्रीकी में, तो अल्जीरिया है ना, मोरिटानिया और मालावी, ये 3 देशों का उन्होंने भ्रमण करा है। देखिए 3 देशों में अल्जीरिया जब गई थी वहाँ पे, तो इसने अल्जीरिया द्रौपदी मुर्मू जो है, यह 13 से लेकर 19 अक्टूबर तक इनका यात्रा रहा है। देखिए इन्होंने अल्जीरिया की राजधानी कहाँ पे, अल्जीयर्स में गई, ठीक है ना, वहाँ पे इन्होंने लैंड करा। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, अल्जीरिया के जो प्रधान राष्ट्रपति जो है, इनका नाम है अब्देल मजीद तबैन, ने इनका स्वागत करे और राष्ट्रपति भवन में ले गए। वहाँ के राष्ट्रपति भवन का नाम है एल मारिडिया पैलेस, नाम है एल मारिडिया पैलेस। और इनको जो है एक उपाधि दिया गया, वो है राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट की मानक उपाधि मिला है इनको, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है अल्जीरिया से। अब आते हैं मोरिटानिया, मोरिटानिया जो देश है इसकी राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, नुआकचोर, कहाँ पे है, नुआकचोट है। और इसके राष्ट्रपति जो है मोहम्मद औलद
गजौनी है और यहाँ पे जो है चार समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है वो कौन कौन है। तो पहला देखेंगे राजनयिकों के प्रशिक्षण के बारे में, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए और वीजा छूट के लिए और विदेश कार्यालय के लिए, ये चार जो है समझौते पे हस्ताक्षर करके आई है। कहाँ पे? मॉरिटानिया में। अगला जो देश है वो कहाँ पे गई थी? मलावी। मलावी में देखिए क्या क्या हुआ है। तो मलावी की राजधानी जो है दोस्तों ये क्या है? लिलोंगवे है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है इनका नाम है डॉक्टर लाजारस मैकार्थी चकवेरा, है ना। और ये समझौता जो हुआ है यहाँ पे कला एवं संस्कृति, युवा कार्यक्रम, खेल तथा जो है फॉर्म्यूलिस्टिकल पर जो है हस्ताक्षर किया गया है यहाँ पे। अगला देखिएगा तो ब्रिक्स अति महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स 2024 देखिएगा, ब्रिक्स 2024 जो है 15वां संस्करण होता है 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होता है, ठीक है। और 16वां संस्करण कजान में होता है, रूस में होता है अभी जो हुआ है 2024 में। और पहला संस्करण 2009 में होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है? यकाटेरिनबर्ग में होता है, ये कहाँ पड़ता है? रूस में ही। और 17वां जो होने वाला है 2025 में वो कहाँ पे होगा? ब्राजील में प्रस्तावित है। और भारत में कब कब हुआ है दोस्तों? देखिए 2012 में दिल्ली में हुआ था, 2016 में गोवा में हुआ था, 2021 में यह ऑनलाइन हुआ था दोस्तों, वर्चुअल तरीके से हुआ था 2021 में, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या जानेंगे अस्थायी रूप से तो 5 है, कौन कौन? रूस है, चीन है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है। सम्मेलन की अध्यक्षता जो किए हैं वो कौन किए हैं? व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं प्रधानमंत्री मोदी किए हैं। और इसका थीम क्या है 2024 का? तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए जो है बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना है ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का थीम। यह जो है दोस्तों 5 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और चीन शिखर वार्ता जो है पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के 2020 से जो है पूर्व की स्थिति बहाल, द्विपक्षीय संबंध में सुधार की बात कही गई है। अब देखेंगे कि मालदीव के जो राष्ट्रपति, इनकी भारत यात्रा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इनका जो है भारत यात्रा हुआ है, देखिए इन्होंने क्या क्या कहा है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? मालदीव के राष्ट्रपति जो है इनका नाम है मोहम्मद मोइजू। मोहम्मद मोइजू जो है दोस्तों यह 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 के जो है यात्रा कर रहे हैं। कहाँ? भारत के सह पत्नी के साथ, मतलब पत्नी के साथ आए थे यह दोस्तों। इनका स्वागत जो है विदेश राज्य मंत्री किए हैं, इनका नाम है कौन तो आप बताएंगे? कृति वर्धन सिंह किए हैं। और यह समझौता है दोस्तों, इनके साथ जो समझौता हुआ है वो क्या हुआ है? तो देखेंगे इसमें जो है $400 मिलियन तथा 3,000 करोड़ का जो है करेंसी स्वैप जो है हुआ है। और SBI ने मालदीव को $100 मिलियन की दूसरी जो है ट्रेजरी को रोल ओवर भी किया है मालदीव के। देखिए अगला है यहाँ पे जमैका के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा किए हैं। जमैका के जो PM है उनका भारत यात्रा, देखिएगा इनका नाम है PM जो है इनका नाम है एंड्रयू हॉलिंस जो है। यह जो है इनके और प्रधानमंत्री के बीच में जो आपसी समझौता हुआ है वो 4 CS के साथ चिन्हित किया गया है, कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिमको। यह जो है कैरिमको और कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और कल्चर, ये 4 जो है CS के साथ जो है चिन्हित किया गया इनके समझौता को। और जमैका के जो PM है उनका नाम है एंड्रयू हॉलिंस। अगला देखिए आसियान सम्मेलन के बारे में जानेंगे। तो आसियान सम्मेलन जो है दोस्तों यह होता है, आसियान का पूर्वपन तो पहले जानेंगे हम लोग, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका संस्करण जो है 44वां और 45वां, क्योंकि एक वर्ष में 2 संस्करण होते हैं इसलिए 44वां 45वां बताया जा रहा है। वियंतियाने लाओस में हुआ है, यह 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक हुआ। और 43वां जो हुआ था वह 2023 में इंडोनेशिया में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता करे हैं इस संस्करण का प्रधानमंत्री कौन किए हैं? तो इनका नाम है सोनेक्से सिफान डॉन किए हैं। और यह कहाँ के? लाओस के हैं। लाओस जो है वियंतियाने में पड़ता है। और सदस्य देशों की संख्या आप जानेंगे तो 10 है। भारत सदस्य नहीं है, इसका सहभागी है। सहभागी देश बहुत सारे होते हैं तो उसमें भारत जो है सदस्य नहीं बल्कि उसके सहभागी। और 11वां जो सदस्य बनने वाला है वह तिमोर लिस्ते बनेगा और 2025 में बनेगा। 46वां और 47वां संस्करण 2025 में होगा। और यह कहाँ पे होगा? तो मलेशिया में होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? मलेशिया में होगा। आसियान का स्थापना जो होता है यह 8 अगस्त 1967 को होता है दोस्तों। इसका स्थापना 1967 का 5 सदस्य के साथ होता है, 5 सदस्य के साथ होता है। 2007 में जो है यह 2007 से यह 2 बार आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष में। अब थोड़ा जानेंगे डिटेल्स में इसका क्या है कि 10 देशों के इस संगठन के साथ जो है वर्ष में कम से कम 1 बार
भारत की शिखर बैठक जो आयोजित होती है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। और भारत के 21वां बैठक हुआ है इस बार, और जो 2025 का आसियान भारत पर्यटक वर्ष भी घोषित किया है। भारत ने 2025 को जो है आसियान भारत पर्यटन घोषित किया है, भारत ने घोषित किया है। और यह भी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? लाओस में ही हुआ है, वियतनाम में हुआ है, 10 अक्टूबर को हुआ है यह सम्पन्न, है ना। 44वां 44वां 45वां के जस्ट अगले दिन ही हुआ है यह। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन का सदस्य नहीं होते हुए भी यह एक दिन का जो है द्विपक्षीय वार्ता हुआ है इन दोनों के बीच में। अगला देखिएगा, हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर में हुआ क्या है? देखिए, चागोस द्वीप है एक, ठीक है, हिंद महासागर में, जो मॉरिशस में पड़ता है, जो भारत से लगभग, दोस्तों आपको बता दें, यह भारत से लगभग 2200 कितना 2200 किलोमीटर दूर है। भारत से कितने दूर है? 2200 किलोमीटर दूर है। जो ब्रिटेन ने इसे कब्जा किए हुए, कब कब्जा किया था? तो 1814 ईस्वी में ही। मॉरिशस तो स्वतंत्र हुआ कब? 1665 में। लेकिन कि मॉरिशस को स्वतंत्र किया ब्रिटेन, लेकिन जो है उसके जो चागोस द्वीप है उसे स्वतंत्र नहीं किया। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को अपने पास ही रखा, उसे स्वतंत्र नहीं किया। और हिंद महासागर में भारत का क्षेत्र जो है मात्र 1700 किलोमीटर तक है, और ये 2200 किलोमीटर के रेंज के बाद पड़ता है, ठीक है। तो इस कारण जो है भारत इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है। चागोस द्वीप जो है भारत से 2200 किलोमीटर दूर है। और डियागो गार्सियो द्वीप, आपको तो नाम सुने ही होंगे, डियागो गार्सियो द्वीप जो है दोस्तों, इस पे अमेरिका ने लीज पर कितने सालों के लिए लिया है? तो 99 सालों तक के लिए लिया है, लीज पर लिया है। देखिएगा, अगला जो आता है 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में जानेंगे। 19वां पूर्वी जो है एशिया शिखर सम्मेलन जो है, यह भी कहाँ पे होता है? वियतनाम में होता है, लाओस में संपन्न होता है। और इसके सदस्य जो है आसियान के 10 तो रहेंगे ही, और 8 अन्य राष्ट्र होते हैं, इसमें भारत भी है। ये अन्य राष्ट्र में भारत भी है दोस्तों, ठीक है, ये अन्य राष्ट्र में भारत भी है। प्रथम बार जो है 2005 में हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। और 18वां जो होगा दोस्तों, 18वां जो हुआ है 2023 में, यह लाओस में ही हुआ था। उसके पीएम कौन है लाओस के? तो अभी वर्तमान में सेनेक्से सिफान डोन है, वर्तमान में सेनेक्से सिफान डोन है वर्तमान में, है ना। और प्रथम बार जो हुआ था कुआलालंपुर में मलेशिया में हुआ था, और जो अभी हुआ है 11 अक्टूबर को वियतनाम लाओस में हुआ है। और ये जो आठ जो है दोस्त, आठ देश जो है अन्य, ये कौन कौन है एक बार थोड़ा जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, भारत है, जापान है, न्यूजीलैंड, रूस और दक्षिण कोरिया, अमेरिका है। यह जो है अन्य आठ राज्य देश है। अगला जो आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? तो इसमें बात जानेंगे क्या है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इनका नाम है क्या? तो प्रबोवो सुबियांतो है, जिनका इलेक्ट हुआ है, इलेक्शन जो हुआ है इनको 21 अक्टूबर 2024 को, है ना। और 109 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। कितने? 109 सदस्यीय जो है मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। और यह टोटल 7 दलों का गठबंधन से इनका सरकार बना है। 1966 के बाद जो है ये देश में, इंडोनेशिया में मतलब, कि सबसे बड़ा जो है मंत्रिमंडल बना। तो 132 सदस्यीय कैबिनेट का गठन 1965 में किया गया था, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सुकार्नो था, है ना, सुकार्नो, जो मात्र 6 महीना तक इनका गठबंधन चला था। और देखिए इनका कितना दिनों तक चलता है, क्योंकि इनका भी 7 दलों का गठबंधन है। तो 109 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठबंधन हुआ है, और राष्ट्रपति नए बने हैं, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, है ना। अगला जो आता है हम लोग का कौन है? आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य है। तो आइए देखते हैं आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखिए, आरबीआई जो है मौद्रिक नीति जारी करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है पहले। आरबीआई जो है लगातार 10वीं बार जो है द्विमासिक समीक्षा रेपो दर जो है सहित सभी जो है प्रमुख बैंक दरों को अपवर्तित रखा है। लगातार 10वां है द्विमासिक समीक्षा जो अपवर्तित रहा है दोस्तों, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है आरबीआई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास जी हैं। और रेपो दर जो रहा है वो 6.5 ही है, 0 रिजर्व रेपो दर जो है ये 3.25 है, बैंक दर जो है 6.75 है दोस्तों, और नगद आरक्षण अनुपात जो है वो कितना है? तो 4.50 है। ये मौद्रिक नीति जो समीक्षा है ये 6 सदस्यीय होते हैं, प्रत्येक सदस्य का जो है 4 वर्षों का काम होता है, और उसके बाद जो है उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, फिर दूसरे 4 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 2024 से 2025 में मौद्रिक नीति की जो है 5वीं द्विमासिक समीक्षा जो है 6 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। अगला देखिएगा, महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी एक और बन गया दोस्तों। देखिए कौन है? तो महारत्न कंपनी में देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह जो है 14वां महारत्न का दर्जा इसको मिल गया है भारत का, है ना।
अब देखिएगा जो 14वां ये बन गया है दोस्तों, इसे पहले जो है 13 को महारत्न का दर्जा दिया गया था, है ना। 13 को महारत्न का दर्जा दिया गया था, और वो 13 जो है आपको पता है कौन कौन है, तो सेल है, सेल का अभी फुल फॉर्म बता दें दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण है। उसके बाद है IOCL, इसका मतलब है कि भारतीय तेल निगम, है ना। और दूसरा है CIL, मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड है। फिर है गेल, गेल का क्या है, तो गेल इंडिया लिमिटेड है दोस्तों। और PGCIL का क्या है, तो बताएंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, है ना। PFC का क्या है, तो PFC का बताएंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है दोस्तों। और ONGC का तो आपको पता होगा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है। और NTPC का तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, ठीक है। और भेल का क्या है दोस्तों, तो भेल का बताएंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है भेल का। और BPCL का क्या है, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और HPCL दोस्तों, तो यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और REC क्या है दोस्तों, तो REC बताएंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, है ना। और हॉल क्या है, तो हॉल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है दोस्तों। और AIL क्या है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। ये सभी महारत्न कंपनियां अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आपको तो याद ही रखनी चाहिए, और इसकी स्थापना अति महत्वपूर्ण है ये भी याद रखना चाहिए। मैंने SPD का करंट अफेयर जो कराया दोस्तों, उसमें स्थापना सभी बता रखा है, यदि आप नहीं देखे तो उसे भी देखिए, अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। देखिए इसका जो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जो दशाएं होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए पहला होता है कि कंपनी को जो है अपने नवरत्न दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पहले तो है नवरत्न दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। नवरत्न के बाद ही जो है दोस्तों वो क्या प्राप्त कर सकता है, नवरत्न के बाद ही जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या है कि कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने चाहिए, और सार्वजनिक शेयर जो है धारिता के संबंध में SEBI, या जो आप नाम तो सुने होंगे SEBI के नियमों का अनुपालन करना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में, तीसरा क्या है, पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत जो वार्षिक कारोबार है वो कितना होना चाहिए, तो 25,000, कितना होना चाहिए दोस्तों, 25,000 करोड़ से भी अधिक होना चाहिए, ठीक है। और चौथा क्या है कि इस अवधि के दौरान जो है कंपनी के औसत वार्षिक जो निवल संपत्ति है वो कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ से भी अधिक होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में, अगला कंडीशन जो है, पिछले 3 वर्षों में कर के बाद जो है, मतलब जो टैक्स के बाद औसत जो वार्षिक शुद्ध लाभ होगी वो 5,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, कितने से, 5,000 करोड़ से भी अधिक होनी चाहिए। और अगला और लास्ट कंडीशन क्या है कि कंपनी का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिचालन या फिर वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए, तब जाके महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। अगला जो आता है आपका ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या रिलेटेड है, आइए देखते हैं हम। ब्रिटेन जो है यह कोयला चलित अंतिम विद्युत षड्यंत्र को बंद कर दिया है दोस्तों, यह सबसे बड़ा निर्णय लिया है, कोयला चलित जो अंतिम विद्युत षड्यंत्र है उसको बंद कर दिया है, 30 सितंबर 2024 को किया है। इसको नाम दिया था क्या दोस्तों, रैटक्लिफ ऑन शोर इसका नाम दिया है। 1967 में यह चालू हुआ था और इसको बंद कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और G7 जो देश है दोस्तों, एक संगठन है, उसमें जो है कोयला से विद्युत उत्पादन समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, कौन, तो ब्रिटेन बन गया है। और ब्रिटेन से पहले भी यूरोपीय जो देश हैं वो कौन कौन, जैसे स्वीडन और बेल्जियम जो है इसको समाप्त कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है दोस्तों, ब्रिटेन का लक्ष्य है कि 2030 तक समस्त विद्युत उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करने वाला ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है कि उसको समाप्त कर देगा, है ना। 2030 तक जो है जितने भी हो रहे हैं विद्युत उत्पादन, ये कोयला से, उसको सभी को बंद करने का निर्णय जो है 2030 तक इसने रखा है। अगला जो आता है PM इंटर्नशिप योजना। PM इंटर्नशिप योजना क्या है दोस्तों, आप एक तरह से यह इंटर्नशिप योजना आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटर्नशिप कहने का मतलब क्या है। इंटर्नशिप कहने का यहाँ पे तात्पर्य है दोस्तों क्या, यह जो है युवाओं के विभिन्न अलग अलग तरह के रोजगारों के लिए, है ना, इंटर्नशिप है। और इसमें उल्लेखनीय क्या है कि 2024 से 2025 का जो है केंद्रीय बजट में इसको पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और लाभान्वित जो होंगे वो 21 से लेकर 25 वर्ष के आयु के इसमें छात्र छात्राएं होंगे। और प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना से भी उनको लाभान्वित किया जाएगा, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी उनको मिलेगा यदि PM इंटर्नशिप योजना करते हैं तो। और प्रति माह के तौर पे उनको 5,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी, एक तरह से क्या है दोस्तों, तो इनको इंटर्नशिप कराई जाएगी, है ना, एक साल का, उसमें प्रत्येक माह जो है 5,000 रुपये भी मिलेगा इनको। और इस योजना के तहत जो है PM ज्योति बीमा योजना उनको फ्री कर दी जाएगी, मतलब ऐसे तो 6,000 मिलेगी, और वो 1,000 जो है किसके तौर पे दोस्तों, तो 1,000 जो है दोस्तों आपको ये PM ज्योति योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना के तहत चली जाएंगी, और आपको सिक्योर करने के लिए ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगला जो है दोस्तों फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट 2024 के बारे में जानेंगे। फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट जो जारी किया गया, भारत के 100 व्यक्तियों के शीर्ष में कौन रहे, तो मुकेश अंबानी रहे हैं। इनका कितना टर्नओवर है दोस्तों, तो 119.5 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, ठीक है, मुकेश अंबानी का। और दूसरे स्थान पर रहे हैं गौतम अडानी रहे हैं, 116 बिलियन डॉलर दोस्तों, ठीक है ना। तो जो ये फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट जो जारी किया गया है, इसमें रतन टाटा जी जो वर्तमान में इनका निधन हुआ है, इनका इसमें कहीं भी सूची में नाम नहीं है, कोई भी नंबर पे इनका नाम नहीं दोस्तों, ठीक है ना। टोटल 100 जो सौमा आया है ना दोस्तों, सौमा जो है उसका नाम क्या है, तो महिमा यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, इसका नाम है महिमा, महिमा दातल, दातला है। और जिनका जो है टर्नओवर कितना रहा है दोस्तों, 3.3 अरब डॉलर रहा है, 3.3 अरब डॉलर रहा है दोस्तों। गौतम अडानी के बाद जो है शिवात्री जिंदल है तीसरे नंबर पर, शिव नादर चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पे दिलीप सांधवानी है, ठीक है। ऐसे सभी का फोर्ब्स जारी किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, आपको पता है कि 18वीं किस्त जारी कर दिया गया दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 को, जो सीधे जो है किसानों के खाते में जाते हैं पैसा। ये आपको पता है कि प्रत्येक जो है 2-2 हजार रुपये की किस्त पे जाती है ना, और ये 3 किस्तों में जाता है दोस्तों। पूरे वर्ष के, पूरे वर्ष में जो है 6 हजार रुपये की सहयोग राशि दिया जाता है किसानों को। और ये घोषणा हुआ था 2018 में, दिसंबर 2018 में प्रथम बार जो भेजा गया सभी किसानों के खाते में सीधे डायरेक्ट, यह 24 फरवरी 2019 को भेजा गया था पहली बार, और इसका 18वां किस्त जारी हुआ है। अब 2025 में जो है 19वां किस्त जारी होगा दोस्तों। अगला देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के बारे में जानेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2024 का, इसे भूख के मामले में 127 देशों में भारत का जो है स्थान 105वां रहा है दोस्तों। 127 देशों की सूची में भारत का स्थान 105वां रहा है, और पहला नंबर पे कौन है दोस्तों, बेलारूस है, और 127वां पे कौन है तो सोमालिया है। 127वां कौन है, सोमालिया है दोस्तों, मतलब बेलारूस में वहाँ पे भुखमरी है ही नहीं, इस कारण जो है दोस्तों बहुत ही बहुत बहुत ही निम्न है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे बेलारूस। देखिएगा पहला आता है श्रीलंका, श्रीलंका का कितना है दोस्तों, 56वां रैंक है, ठीक है। नेपाल का कितना है, 68, जो हमारे पड़ोसी देश है उसका मैंने लिखा। म्यांमार का देखिएगा तो 74वां है। बांग्लादेश का कितना है दोस्तों, तो 84वां है, ठीक है। भारत का देखिएगा तो 105वां है। पाकिस्तान का 109 है, और अफगानिस्तान का देखिएगा दोस्तों 116 है। मात्र ये दो देश को छोड़कर, कौन, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान को छोड़कर, बाद बाकी दोस्तों सभी हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी जो है इंडेक्स बहुत ही अच्छी रही है, और दोस्तों हमारे जो इंडेक्स है वो बहुत ही खराब रहे, क्योंकि 109 वो इतनी अच्छी है नहीं दोस्तों, ठीक है ना। इंडोनेशिया का जानिएगा दोस्तों, तो इंडोनेशिया के भी लगभग 77 इनका रैंक रहा है, इंडोनेशिया का 77वां रैंक रहा है इंडोनेशिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसके बारे में जानेंगे हम, जो IMF ने जारी किया है। देखिए यह इसका पूर्वानुमान ये जारी करता है दोस्तों 2024 और 25 के लिए जारी किया है। विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक रिपोर्ट को जारी किया है। विश्व की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था USA में जो है 2024 के GDP का जो है 2.8 इसने जारी किया है, कि इससे बढ़ भी सकता है 2.8% से, इसका GDP इंक्रीज भी कर सकता है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है, तो चीन का है, जिसका GDP बताया गया है कि 5.0% रहने की अनुमान बताया गया है। और भारत का GDP का जो है पूर्वानुमान इस कोष ने नहीं दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नहीं बताया है। तो इसका जो पूर्वानुमान लगाया है वो कौन कौन लगाया है, देखिए तो इसका पूर्वानुमान जो लगाया है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। देखेंगे 2023 से 2024 में कितना, 8.2%, और 2024 से 2025 के लिए 7%, और 2025 से 2026 के लिए 6.5% रहने का इसका GDP का अनुमान लगाया है, कौन, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने। अगला देखेंगे हम लोग नोबल पुरस्कार के बारे में जानेंगे, बहुत अति महत्वपूर्ण है यह सेशन नोबल पुरस्कार दोस्तों। देखिए नोबल पुरस्कार में क्या है, इसका घोषणा जो होता है, इसका घोषणा कब हुआ, तो आप देखेंगे इसका घोषणा जो होता है 7 से लेकर के 14 अक्टूबर 2024 में किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार जो है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिएगा पहला है शांति के क्षेत्र में, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि ये बात बाकी जो हमने इसको अंडरलाइन करा है, ये सभी कहाँ पे दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम में। और एक शांति का जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार दोनों दिए जाते हैं 10 दिसंबर को ही, और लेकिन जो है शांति का क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में ओस्लो में दिए जाते हैं, नॉर्वे का है ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है। और इस वर्ष जो है देय राशि कितनी रही है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर रही है, यानी कि लगभग हम लोग अपने करेंसी में बता देंगे 9.24 करोड़ रुपया रही है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स,
फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है, ये अति महत्वपूर्ण है। देखिए दो व्यक्तियों को मिला है, संयुक्त रूप से मिला है, और ये दो व्यक्ति कौन है तो आप बताएंगे, गैरी रूकून है, गैरी रूकून, और दूसरे हैं विक्टर एम्ब्रोज, विक्टर एम्ब्रोज है, और दूसरे का नाम है गैरी रूकून है, ठीक है ना। और दोनों जो दोस्तों इनको संयुक्त रूप से मिला है, और इन्होंने जो दोस्तों बता दें, इन्होंने खोज करा है कि कैंसर व डायबिटीज रोग का कारण ढूंढने में इनको मदद मिला है, तो इस कारण जो है इनके खोज को पता ये करने के लिए जो है दोस्तों यह दिया गया है नोबेल प्राइज, इनको दिया गया है गैरी रूकून और विक्टर एम्ब्रोज को। और आपको बता दें कि यह चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 से लेकर 2024 तक अभी तक 115 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को, 229 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, और 9 बार किसी को भी नहीं दिया गया। ये 9 बार कौन कौन है दोस्तों, तो 1915, 16, 17, 18 और 1921, 1925, 1940, 41 और 1942, क्योंकि ये सभी विश्व युद्ध के थे समय, इस कारण जो है नहीं दिए गए हैं। अब देखेंगे प्रथम बार जो है पुरस्कार 1901 में किनको दिया गया था, तो प्रथम बार आप देखेंगे तो इनका नाम था, क्या नाम था, एमिल एडोल्फ वॉन जो है वेहरिंग, जो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, जर्मन के रहने वाले थे, है ना, कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आप जान लेंगे कि सबसे कम उम्र में जो है किनको मिला है, तो सबसे कम उम्र में दोस्तों ये कनाडा के रहने वाले थे, कहाँ के, कनाडा के रहने वाले हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग। फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग को जो है 1923 में दिया गया था, मात्र उस समय उनकी आयु जो थी वह 32 वर्ष थी। नाम आपने सुना, क्या नाम है, फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग। और सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक को जो अमेरिका के हैं, कहाँ के, USA के थे, इनका नाम है जो दोस्तों पीटोन राउस, जो इनको दिया गया 1966 में दिया गया, और ये इनकी आयु थी दोस्तों 87 वर्ष थी, है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि आप भौतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे, भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज किनको मिला है। देखिएगा इसमें भी संयुक्त रूप से मिला है दो व्यक्तियों को, है ना, संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों को मिला है, इनका नाम है जॉन जोसेफ हॉफील्ड और जेफरी हिल्टन और जॉब जोसेफ हॉलफील्ड को मिला है, और इनको मिला है मशीन लर्निंग के लिए मिला है। मशीन लर्निंग के बारे में अभी बताएंगे क्या है। देखिए 1901 से लेकर 2024 तक 118 बार पुरस्कार दिया जा चुका है, टोटल कितने व्यक्तियों को, तो 227 व्यक्तियों को, और 6 बार नहीं मिला, आपको पता ही होगा वो विश्व युद्ध के कारण नहीं मिला होगा 6 बार, ठीक है, वो 6 बार 1916 थे, 1931, 1934, 1940, 41 और 1942, है ना। और प्रथम बार जो है 1901 में कौन, विल्हेम रॉटजेन जो जर्मनी के हैं दोस्तों, इनको मिला था, है ना, क्या नाम था, विल्हेम रॉटजेन जो है इनको मिला था, जर्मनी के हैं। अब तक जो है कुल 4 महिलाओं को दिया जा चुका है यह पुरस्कार, जो 1903 में जो है दोस्तों फ्रांस की मैडम क्यूरी को यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, और मैडम क्यूरी के बाद 1911 में जो है रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। अब देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो है सबसे कम उम्र जो है ब्रिटेन के, क्या नाम है इनका, विलियम लॉरेंस ब्रेग को मिला था 1915 में, और सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है, अमेरिका के हैं, इनका नाम है आर्थर आस्किन को जो है यह कहाँ के है, जो है USA के हैं, सबसे उम्र दराज व्यक्ति इनको मिला है 2018 में, 96 वर्ष की आयु में इनको मिला है। नेक्स्ट देखिएगा तो आता है आपके पास क्या है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, इसमें संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, और वो कौन कौन है, डेविड बेकर है जो USA के हैं, जान जंपर है जो USA के हैं, और डेमिस हसाबिस जो कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं, इनको संयुक्त रूप से तीनों व्यक्तियों को मिला है। और इनको किस चीज़ के लिए मिला है, तो इनको मिला है कि प्रोटीन की संरचना को जो है डिकोड करने तथा नए प्रोटीन बनाने के लिए इन लोगों को यह रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। 1901 से लेकर 2024 तक अभी तक 116 बार यह पुरस्कार मिला है, टोटल 197 व्यक्तियों को मिल चुका है, 8 बार नहीं मिला है, मतलब कि वो कौन सा दिवस होगा, तो वह जो वर्ष था 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 41 और 1942 में नहीं मिला, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे। प्रथम बार जो है 1901 में किनको मिला था, जैकोबस एच वी हॉफ को मिला था रसायन क्षेत्र में, और इन यह जो है कहाँ के, न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों, इनको पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था। और सबसे कम उम्र में जो है फ्रांस के एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है जीन फ्रेडरिक को मिला है, जीन फ्रेडरिक
जूलियट क्यूरी को मिला था सबसे कम उम्र में। और सबसे उम्र दराज व्यक्ति जो है अमेरिका के हैं, जॉन बी गुडनफो को मिला है, जो कब मिला है, 2019 में मिला है, 97 वर्ष की आयु में। अब साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं हम लोग, साहित्य के क्षेत्र में देखिएगा तो हान कांग को मिला है जो दक्षिण कोरिया की हैं। और इनकी कृति जो है बहुत सारे हैं, इनका कृति जैसे आप देखेंगे द वेजिटेरियन है, द वाइट बुक है, ह्यूमन एक्ट्स है, द ग्रीक नेशंस है, ये सभी आदि इनका जो है कृतियाँ हैं। अब देखिएगा 1901 से लेके 2024 तक टोटल 117 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें 121 व्यक्तियों को मिला है, 7 बार तो नहीं मिला है। और यह 1914 से लेकर 1942-43 तक का नहीं मिलता है। सबसे युवा जो है उनका नाम क्या है, रुडयार्ड किपलिंग है, जो जंगल बुक पुस्तक लिखे हैं, उनको मिला है, जो ब्रिटिश थे और 1907 में इनको मिला था पहली बार, रुडयार्ड किपलिंग को। जंगल बुक आपने देखा होगा, मोगली वाला। सबसे उम्रदराज जो है किनको मिला है, सबसे उम्रदराज जो है डोरिस लेसिंग को मिला है, जो ब्रिटेन के हैं, इनको 2007 में मिला था। और यह जो है 88 वर्ष के थे उस टाइम में, 2007 में जो मिला था। अब आते हैं शांति के क्षेत्र में, देखिएगा तो शांति के क्षेत्र में जो है निहोन हिंदानकियो को मिला है, निहोन हिंदान को, एक संगठन है जापान का। और यह संगठन जो है यह परमाणु हथियारों के विरुद्ध जो है लंबी मुहिम चलाने के लिए इनको दिया गया है, निहोन हिंदानकियो को। 1901 से लेकर 2024 तक के 105 बार यह पुरस्कार मिला है शांति का क्षेत्र का, और 111 व्यक्तियों को मिला है, और 19 बार यह पुरस्कार नहीं दिया गया। यह पहला पुरस्कार जो है 1901 में किनको मिला था, तो हेनरी दुनांत को, और जोसेफ जो है रॉट ब्लैट को जो है पोलैंड के है, ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति है, इनको मिला था, है ना, पोलैंड के हैं दोस्तों, सबसे उम्रदराज व्यक्ति और सबसे कम उम्र के विजेता जो है शांति के क्षेत्र में, मात्र 17 वर्ष के सबसे कम उम्र में विजेता कौन है, तो इनका नाम है पाकिस्तान की मलाला यूसुफ जई, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2014 में। और यह उम्रदराज जो है ये 87 वर्ष के हैं, और जो सबसे कम उम्र के हैं उनका उम्र 17 वर्ष था, मलाला यूसुफ जई, जो पाकिस्तान की। अगला जो देखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों, अर्थशास्त्र स्टार्टिंग से नहीं दिया जा रहा है, 1969 से शुरू हुआ है अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए इसमें अर्थशास्त्र में संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को मिला है, कौन कौन है, तो डेरेन जो है एस मोगलू को मिला है, और साइमन जॉनसन को मिला है, और जेम्स अ रॉबिन्सन को मिला है, ये 3 व्यक्तियों को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 1969 से 2024 तक जो है 56 बार मिल चुका है, और 96 व्यक्तियों को मिला है। सबसे कम उम्र में अभिजीत बनर्जी को मिला है, जो भारतीय अमेरिकी हैं, इनको 2019 में मिला। और सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति हैं वो कौन है, तो लियोलिन जो है हरवीज है, 2007 में इनको मिला सबसे उम्रदराज व्यक्ति को, है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और यह 1969 से शुरू होता है दोस्तों, ठीक है, सबसे कम उम्र आपको बता दी है, भारतीय मूल के जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को मिला है, ठीक है, इनकी पत्नी के साथ मिला था दोस्तों। और सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है 90 वर्ष के आयु में, इनको 2007 में मिला था, लियोली हरवीज को मिला है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का जो है नोबेल जीतने वाली पहली महिला जो है अमेरिकी, इनका नाम है इलिनर ओस्ट्रम जो है 2009 में, कब, तो 2009 में जो है यह सम्मान पाई है, अमेरिकी अर्थशास्त्री जो है ओलिवियर विलिमन के साथ जो है संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आता है MIBOR, ये क्या है दोस्तों, तो ये आपका दिया गया है संक्षिप्त नेम देता है, जो आपको पता है करंट अफेयर जो होता है, नवीनतम सामान्य ज्ञान, उसमें जो संक्षिप्त दिया रहता है ना, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा आपको पता होगा दोस्तों नोबेल पुरस्कार में एक चीज़ें छूट रही है, देखिए MIBOR ये क्या है, तो मुंबई इंटर्न बैंक आउट राइट रेट है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हर जो है मंथ में देता है एक नया शब्द को, शब्द संक्षेप आप जानते हैं, ठीक है। देखिए नोबेल पुरस्कार कह रहे थे हम ना, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति के पहले मिला था 1913 में, किनको मिला था आपको पता ही होगा, 1913 में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सीवी रमन को मिला था 1930 में दोस्तों, है ना, 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। फिर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में। फिर एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। फिर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर वी एस नोयपाल को 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। फिर वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला है
2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और कल्या सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला दोस्तों। अभिजीत बनर्जी को जो है दोस्तों 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अब जो है हमारे पास अपॉइंटमेंट्स के बारे में जानेंगे, तो अपॉइंटमेंट्स में देखिएगा क्या है कि भारत में जो है मालदीव की नई राजदूत बनी है, इनका नाम क्या है, एसेथ अजीमा बनी है, या भारत में जो है मालदीव की नई राजदूत बनी है। फ्रांस में भारत के नए राजदूत बने हैं, इनका नाम है संजीव कुमार सिंगला बने हैं। जर्मनी में भारत के नए राजदूत जो बने हैं, इनका नाम है अजीत विनायक बने हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला जो है महानिदेशक बनी है, इनका नाम है वाइस एडमिरल आरती सरीन। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, एयर मार्शल एस पी धारकर बने हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो नए बने हैं, इनका नाम है एम राजेश्वर राव बने हैं। तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है एस परमेश्वर बने हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानेंगे, इसके अध्यक्ष नई बनी है, इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर बनी है। इनका नियुक्ति जो है 3 वर्षों के लिए किया गया है, और जो पहले पुर्जा 3 वर्षों के लिए होता है और 65 वर्ष जो पहले पुर्जा उसके अकॉर्डिंग जो है महिला राष्ट्रीय आयोग को हटा दिया जाता है, ठीक है। और बता दें इसके जो है विजय किशोर हाटकर को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में अक्टूबर 2024 में नियुक्त किया गया है, 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अगला जो देखिएगा तो वो क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जो है स्वीडन में भारत की नई राजदूत बनी है, इनका नाम क्या है, तो नीना मल्होत्रा बनी है। नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 91वें क्रम के दोस्तों, इससे पहले 50वें कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, और ही संजीव खन्ना बने हैं, जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। अब आते हैं थोड़ा पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जानेंगे हम लोग, तो देखिए पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में देखेंगे ना, तो फेमिना मिस इंडिया 2024 में मिला है किनका, तो निकिता पोरवाल संस्करण जो था 60वां संस्करण हुआ है यह फेमिना मिस इंडिया का, मुंबई में हुआ है दोस्तों, निकिता पोरवाल जीती हैं। देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, यह जो दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 हुआ है, रिया सिंधा जीती हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कर्षता पुरस्कार जो है यह लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्था जीता है, और यह संस्करण था 25वां संस्करण 2024 में जो हुआ है। नेक्स्ट जो है फिल्म में जो है आईफा पुरस्कार 2024 किनको मिला है, फिल्म में जो है आईफा पुरस्कार किसको मिला है, तो शाहरुख खान को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के क्षेत्र में, और रानी मुखर्जी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के क्षेत्र में। संस्करण कौन सा है, 24वां है, 2024 में हुआ है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में जानिए, तो देखिएगा यह जो आपको बता दें दोस्तों आईफा अवार्ड जो होता है 2020 में पहला हुआ था, जो लंदन इंग्लैंड में हुआ था। अभी जो हुआ है वो दोस्तों कहाँ पे हुआ है, तो 2024 में अबू धाबी यूएई में हुआ है, ठीक है। 2023 वाला भी यूएई में हुआ था, 2022 वाला भी यूएई में हुआ था दोस्तों, ठीक है। यह अभी 3 लगातार यूएई में ही हो रहा है 2022 से अभी तक। जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है दोस्तों, यह 2023 का पुरस्कार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य में ओडिशा को मिला है, सर्वश्रेष्ठ शहर में जो है सूरत को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ स्कूल एंड कॉलेज को देखिएगा तो गवर्नमेंट स्कूल है ये राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है 2022 के लिए किनको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। इसमें राशि कुल कितनी दी जाती है दोस्तों, तो यह 10 लाख की राशि इसमें दी जाती है, और यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का दिया गया है, 74 वर्षीय है मिथुन चक्रवर्ती। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों जो है पुरस्कार प्राप्त करते हुए मिथुन चक्रवर्ती, यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी जानेंगे हम लोग कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी तक जितने व्यक्तियों को दिया गया है उसको एक शॉर्ट लिस्ट में यहाँ पे तैयार है, ठीक है ना, उसको एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बस। देखिए पहली बार 1969 में किनको मिली था, तो देविका रानी को मिला था 1969 में। अभी जो मिला है दोस्तों 2022 के लिए जिनको मिला है, इनको मिथुन चक्रवर्ती को, 2021 में वाहिदा रहमान को, बस इतना ही आपको याद रखना है, वाहिदा रहमान को पिछले बार मिला है, ठीक है ना, 2021 का, 2022 वाला मिथुन चक्रवर्ती को, और पहला किनको मिला है ये भी याद रखना, तो इनको मिला है देविका रानी को 1969 में, बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है, बाद बाकी पीछे का उतना पूछता नहीं है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। देखिएगा अगला जो इसमें सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको तो बता ही दिए, अब आता है निधन, तो निधन में आप देखिएगा दोस्तों
निधन में इम्पोर्टेंट क्या है कि रतन टाटा जी का अभी पूरे देश रोया है दोस्तों रतन टाटा के लिए, ठीक है ना। 86 वर्ष की आयु में जो इनको 9 अक्टूबर 2024 का निधन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि रतन टाटा जी के बारे में पूरे आपको पता ही होगा पहले से ऑलरेडी, यह मुंबई के पारसी परिवार से हैं। 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म होता है। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट एक इसमें देखेंगे आप तो दूसरे जो है केकी एन दारूवाला, केकी एन दारूवाले जो है इनका भी जो है यह पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, है ना। अंग्रेजी के जो है प्रसिद्ध कवि भी रह चुके हैं केकी एन दारूवाला। 86 वर्ष की आयु में इनका जो है 26 सितंबर 2024 को निधन हो गया है। और ये रॉ के सचिव भी रह चुके हैं। अब डॉक्टर पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल की 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, 8 अक्टूबर को हो गया है। यह पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर पी वेणुगोपाल हैं, इनका 8 अक्टूबर को निधन हो गया है। अब जो आते हैं हम लोग का वह है महोत्सव के बारे में। तो देखिए महोत्सव के बारे में आप देखेंगे तो कह रहा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस समारोह, यह जो है भगवान बुद्ध के त्वातिमसा देवलोक से जो है पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में जो है अभिधम दिवस चंद्र वर्ष के जो है 7वें माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह 17 अक्टूबर को मनाया गया है ना, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मनाया गया है। देखेंगे कि विज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने भी भाग लिया था। यह पाली को जो है इस माह अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा प्रदान किया गया। आपको पता ही है कितने अभी 5 भाषाओं को और मिल गया, आपको तो पूरे डिटेल्स पता ही हो गया होगा। अब देखेंगे वर्ष और दिवस सप्ताह के बारे में जानिएगा, अक्टूबर 2024 के बारे में जानते हैं। तो 1 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यह 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाते हैं। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस भी है। और 2 से 8 अक्टूबर को जो है वन्य प्राणी सप्ताह दिवस मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक, है ना। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती जो है 2 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया है। और 2 अक्टूबर को जो है इनका 155वीं जयंती मनाया गया है, है ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को पारित प्रस्ताव के तहत महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को आप जानेंगे तो विश्व शिक्षक दिवस, और 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, है ना, वर्ल्ड हैबिटेट दिवस, और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। विश्व व्यापार संगठन ने इसको 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में 2019 में घोषित किया था। 8 अक्टूबर को वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस मनाया गया, भारत का भारतीय वायुसेना स्थापना जो होती है 2024 को मनाया गया इसका। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है, और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस भी, और 11 अक्टूबर को लोक जयप्रकाश नायक जयंती भी मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर को जो है विश्व मानक दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस। अब आते हैं पेज नंबर जो है 62, पेज नंबर 62 जो शीर्ष बचा हुआ ये है, यहाँ पे 39 नंबर पेज का, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 39 नंबर पेज का शेष पृष्ठ आ गया है। यहाँ पे देखिए इसमें बोला है कि 14 अक्टूबर को विश्व भर में जो है मानक रूप में दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को विश्व ट्रामा दिवस मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को निर्धनता निवारण हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस अभी वर्तमान में मनाया गया, आपको पता ही है गौतम बुद्ध के क्वांतिवास स्वर्ग से पृथ्वी पर जो है उत्तर प्रदेश के जो सकरिया नामक स्थान पर उतरने के याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अभिधम की शिक्षा दी थी। यह दिवस जो है 7वें चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, और पहला सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर 2010 को विश्व भर में मनाया गया था। भारत के महान सांख्यिकी वेता जो है पीसी महालनोबिस के जन्म जो है 29 जून को वर्ष 2016 से राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पत्ता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाते हैं, और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस भी, और 30 अक्टूबर को विश्व जो है मित्रव्ययी दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को
पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जन्म राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और फैसला जो है मोदी सरकार ने 2014 में यह किया था। अब आते हैं लास्ट और सेशन जो है हम लोग का विविध, अति महत्वपूर्ण या विविध मिसलेनिया सेशन जो है, इसमें बोला गया है कि IIT के बाद जो है अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो है दुबई में कैंपस। देखिए भारत के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने विदेश में अपना पहला कैंपस दुबई में स्थापित किया। इसका उद्घाटन अबू धाबी के जो है क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जो है 2 सितंबर 2024 को किए। IIT दिल्ली के बाद जो है अब भारतीय विदेश व्यापार संस्था जो है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड IIFT भी विदेश में अपना पहला कैंपस दुबई में खोलेगा। दुबई में एक्सपो सिटी में इंडिया जो है पवेलियन में जो है यह कैंपस 2025 में शुरू करने की संभावना है। देखिएगा 21वां दिव्य कला महोत्सव कहाँ पे हुआ है, जबलपुर में संपन्न हुआ है। दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित यह दिव्य कला मेला मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो है 17 से 27 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ है। यहाँ पे 27 लिखा गया दोस्तों, 24 है, ठीक है ना। और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिव्य कला मेला की श्रृंखला में जो है 21वां मेला था यहाँ। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। दिव्यांगजन उद्यमियों को जो है उत्पादों है ना उपभोगों और कौशल के प्रदर्शन के लिए जो है मंच प्रदान करने के लिए ऐसे 18 मेले का आयोजन रांची और 19वें मेले का आयोजन विशाखापट्टनम में और 20वें मेले का आयोजन पुणे में हुआ था। अब देखेंगे गोवा के तट पर जो है भारत ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है ये कहाँ पे हुआ है, नसीम अल बहर में हुआ है। भारतीय नौसेना व ओमान के जो है रॉयल नेवी के बीच में जो है द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास नसीम अल बहर में हुआ है। 13 से 18 अक्टूबर 2024 में संपन्न हुआ है। 2 चरणों में हुआ है, 13 और 15 को और 16 और 18 को हुआ है ना। भारतीय नौसेना से जो है INS त्रिकंदा और डोर्नियर समुद्री गश्ती जो है विमान रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जो है अल सीब के साथ जो है इस संयुक्त अभ्यास हुआ है। तो वैसे हम लोग ने टोटल करंट अफेयर जो था वो हमने कंप्लीट करा दोस्तों। अब जो लास्ट और सेशन जो बचती है वो क्या है, तो खेल कूद, इसे भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, इसको भी हम लोग निपटते हैं। देखिए क्या है, पहला एथलेटिक्स से आता है। देखिए एथलेटिक्स में क्या है, बर्लिन मैराथन का 50वां संस्करण हुआ है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो बर्लिन है मैराथन उसका कैमा संस्करण हुआ है, तो 50वां संस्करण हुआ है ना, यह जर्मनी में हुआ है, 29 सितंबर को हुआ है दोस्तों, 50वां हुआ है मैराथन दौड़ है ना। इथोपिया धावक का जो है दबदबा इसमें रहा है, आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है मैराथन दौड़, जो 2 घंटा 3 मिनट 17 सेकेंड के लिए हुआ है ना। इसमें जो है टिग्रिस केटेमा ने यह दौड़ जो है 2 घंटा 16 मिनट 42 सेकेंड में पूरा किया है। और कीनिया के जो है साइबेरियन जो है कोटूट जो है यह 2 घंटा 3 मिनट 22 सेकेंड में, इथोपिया के ये जो है एल्यू ने क्रमशः दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर ये लोग रहे हैं। देखिए विजेता के नाम एक दृष्टि में यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पुरुष वर्ग में यहाँ पे महिला प्रथम जो है कौन है, तो प्रथम आप विजेताओं के नाम दृष्टि से देखेंगे मैराथन में जो 42.195 किलोमीटर का होता है, अति महत्वपूर्ण यह दोस्तों मैराथन, तो आपको याद ही रखने होंगे। देखिए मिलकेसा मेंगेसा जो कहाँ के, इथोपिया के हैं, जो 2 घंटे 3 मिनट 17 सेकंड में। और टिगिस्ट केटेमा जो इथोपिया की हैं, महिला वर्ग में जीती हैं, 2 घंटे 16 मिनट 42 सेकंड में। द्वितीय श्रेणी पे कौन रहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है ना, बस प्रथम श्रेणी आप याद रखेंगे। ऐसे यहाँ पे तृतीय श्रेणी तक देखा है, तो तीनों को हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए द्वितीय श्रेणी पे जो है साइबेरियन कोटोटू रहे जो कीनिया के हैं, और महिला में देखेंगे तो मेस्तावाट फिकर रही है जो इथोपिया के हैं। तीसरे पे हैं, इनका नाम है हायमानॉट एल्यू जो इथोपिया के हैं, और महिला में देखेंगे तो बेसेना मुलाटी जो इथोपिया की है। अगला जो है दिल्ली हाफ मैराथन, ये 2024 में हुआ है दोस्तों, ठीक है, 20 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। इसमें संपन्न जो है वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन पुरुष वर्ग में जो है युगांडा के जो है जोसुआ चेप्टोगी व महिला वर्ग में इथोपिया के जो है अले माडिश यायु विजेता रहे हैं, है ना। मतलब कि यहाँ भी दोस्तों युगांडा के और किसका, इथोपिया का दबदबा रहा है दिल्ली हाफ मैराथन में। यहाँ पे एक तरह से दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली हाफ मैराथन विजेताओं के नाम एक दृष्टि में यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, देखिएगा एक दृष्टि में आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन जो हुआ है 21.097 किलोमीटर का होता है या, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन। पुरुष वर्ग में देखिएगा प्रथम स्थान जो किनको है, जोसुआ
चेप्टोगी को आए हैं, युगांडा के हैं, ठीक है ना, 59 मिनट 46 सेकंड में। तो महिला वर्ग में देखिएगा तो अल्मेडा अलमे अलमे अलमेलाडिस अलमे अलेमाडिस अलेमाडिस यायू इथोपिया की हैं, और द्वितीय स्थान पे एलेक्सा मटाटा रहे हैं, और महिला में रही हैं सिंथिया लिमो, और तृतीय स्थान पे पुरुष में रहे लिकोलस किप कोरियर, और महिला में रहे तुरिये मेस्टिफन जो इथोपिया के हैं। और भारतीय धावक के परिणाम आप देखिएगा तो पुरुष वर्ग में दोस्तों प्रथम स्थान पे सावन जो है बरवाल रहे हैं जो 1 घंटा 2 मिनट 46 सेकंड का समय लिए है। महिला में लीली दास रही हैं, और द्वितीय पुरुष में जो देखेंगे पुनीत यादव, और महिला में कविता यादव। तृतीय स्थान पे पुरुष में जो है दोस्तों किरण मात्रे, और महिला में देखिएगा प्रीति लंबा। अगला देखिएगा हॉकी, हॉकी में देखेंगे दोस्तों तो महिला की जो है चौथी अंतर विभागीय जो है सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में हुआ है। हॉकी इंडिया जो है तत्वाधान में महिलाओं की चौथी जो है अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है ना, और इसका खिताब जो है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीता है, जीत हासिल कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं उसने जीत हासिल की है, फाइनल में जीत लिया है, 3-1 से जीत लिया है। अब देखिए महिला की जूनियर जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ है 2024 में, यह हॉकी इंडिया के तत्वाधान में महिलाओं की 14वीं जूनियर हॉकी चैंपियनशिप आयोजन रांची में हुआ है, जो 30 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक हुआ है। इसका खिताब जो है गत मध्य प्रदेश को फाइनल में 3-1 से हरा कर झारखंड टीम ने जीत लिया है। तीसरा स्थान हरियाणा का रहा है। नीतू डेविड यहाँ पे देख रही हैं, 95वां रेलवे विजेता रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप 2024 जो है रेलवे विजेता रहा है। 95वें अखिल भारतीय ACC मुरुगप्पा गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट चेन्नई में हुआ है, ठीक है ना, ये जो होता है हॉकी से रिलेटेड है, और रेलवे इसमें विजेता रहा है। 95वें अखिल भारतीय MCC जो है मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी। अगला जो आता है हम लोग का वो है सुल्तान ऑफ जो है जौहर कप। सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है यह हॉकी के क्षेत्र में होता है, यह इंग्लैंड विजेता रहा है। भारत को इसमें कांस्य पदक मिला है, इतना ही आप याद रखेंगे, भारत को कांस्य पदक और इसमें इंग्लैंड विजेता रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि महिला हॉकी टीम की जो है पूर्व कप्तान जो है रानी रामपाल को हॉकी से संन्यास। रानी रामपाल जो है इनकी हॉकी से संन्यास ले ली है इन्होंने, रानी रामपाल ये कप्तान नहीं, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है 24 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखेंगे इनका जो है अनेक खेल पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी है। रानी रामपाल 2020 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से तथा पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया। अब आते हैं क्रिकेट से, क्रिकेट में रिलेटेड आप देखेंगे भारत और बांग्लादेश का जो श्रृंखला हुआ है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का श्रृंखला 2024 में जो हुआ है, इसमें बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भारत के दौरे पर 2 टेस्ट मैच खेले और 3 T20 खेले, ठीक है ना। इसमें आप देखिएगा कि इन दोनों श्रृंखलाओं में बांग्लादेश की टीम ने सफाया भारतीय टीम ने किया है, इसका मतलब यहाँ पे भारतीय टीम का दबदबा रहा और भारतीय टीम इसमें जीत हासिल करी है। भारतीय टीम ने मैच को जीता है। रविचंद्र अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। रोहित शर्मा इस श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान थे। स्वदेशी धरती पर जो है यह जीत जो है लगातार 18वां टेस्ट रहा है भारतीयों का, और T20 में भी भारत का ही सर्वोच्च पारी रहा। इसमें इस बार पूरे T20 में 297 रन जो है अभी तक किसी ने नहीं मारा है दोस्तों, यह बांग्लादेश के खिलाफ लगाया गया है भारत की तरफ से। नीतू डेविड जो है ICC हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल की जाने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। यह नीतू डेविड दूसरी जो है भारतीय क्रिकेटर बनी है महिला में। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल जो है देशों के क्रिकेटरों की संख्या आप देखिए यहाँ पे 2024 के अंत में हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटरों की संख्या जो है देखेंगे यहाँ पे इंग्लैंड के टोटल जो है दोस्तों 33 है, ऑस्ट्रेलिया के 29 है, वेस्ट इंडीज़ के 21, भारत के 10 है दोस्तों, पाकिस्तान के 7, दक्षिण अफ्रीका के 7, श्रीलंका के 4 है, न्यूजीलैंड के 3 है, जिम्बाब्वे का 1 है, टोटल 115 को दिया जा चुका है। घरेलू धरती पर भारतीय टीम की सबसे छोटी टेस्ट पारी कहने का मतलब आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि 2024 में जो हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ है 16 से 20 अक्टूबर में, इसमें जो है मात्र भारतीय टीम की पहली पारी में 46 रन ही बना सकी है। कितना रन? मात्र दोस्तों 46 रन। अभी तक जो है भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर जो रहा है वो 36 रन रहा है, वो कब? तो 2020 में एडिलेड में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा था, है ना। देखिए टेस्ट जो क्रिकेट हुआ उसमें भारत का न्यूनतम स्कोर देखेंगे सबसे कम 36 ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एडिलेड में 2020 में हुआ था, फिर 42 इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में रहा, फिर 46 न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में हुआ था जो मैच 2024 में,
अभी जो वर्तमान में हुआ 58 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में 1947 में, और 58 रन ये इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में 1952 में रहा था। T20 में जो है सर्वोच्च पारी का जो है जिम्बाब्वे का नया रिकॉर्ड। देखिए दोस्तों, जिम्बाब्वे ने जो है 2024 में जिन्हें रिकॉर्ड बना दिया है, नैरोबी में जो हुआ है यह विरोध था गाम्बिया, 344 रन बनाया है दोस्तों T20 में 20 ओवरों की मैच में 344 रन, 4 विकेट खो करके। और नेपाल दूसरे स्थान पे 314 रन बनाया है दोस्तों, है ना, 2023 में। और भारत 297 रन बनाया है इसी 2024 में बनाया है। जिम्बाब्वे फिर से बनाया है दोस्तों 286 रन 2024 में ही। अफगानिस्तान 278 रन बनाया है, यह देहरादून में बनाया था आयरलैंड के खिलाफ में, और यह जो है 2019 में यह कारनामा किया था। न्यूजीलैंड पहली बार जो है महिला के T20 विश्व कप विजेता बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व कप जीतने के बाद जो है न्यूजीलैंड की टीम का हर्षोल्लास। यहाँ पे जो है पहली बार महिला विश्व कप जो है न्यूजीलैंड ने जीती है, अपने नाम किया, जबकि दक्षिण अफ्रीका दूसरी बार पराजय का सामना विश्व कप में किया है। महिला विश्व कप के जो है नौ आयोजनों में से ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 6 बार जीता है, जब उसके तथा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड ने एक एक बार जीते हुए इस खिताब को। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन मेजबान किया, कौन कितने बार जीता है यहाँ पे, ठीक है ना। 2009 में इंग्लैंड में मेजबान हुआ, इंग्लैंड ही विजेता रहा, उप विजेता न्यूजीलैंड। 2010 में वेस्टइंडीज में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता, न्यूजीलैंड इसमें उप विजेता। 2012 में श्रीलंका इसमें मेजबान किया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था और इंग्लैंड इसमें उप विजेता। चौथे में देखिएगा 2014 में होता है और इस बांग्लादेश में होता है, ऑस्ट्रेलिया फिर विजेता होता है, इंग्लैंड हारता है। फिर पांचवें में 2016 में भारत में होता है, वेस्टइंडीज जीतता है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हार जाता है। छठे में होता है 2008 में, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया इसमें जीतता है, है ना, और इंग्लैंड हारता है। 2020 में जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहता है, भारत उप विजेता, मतलब भारत अभी तक एक भी बार नहीं जीता है, सीधे से बात है। 2026 में दोस्तों इंग्लैंड में प्रस्तावित है, ठीक है, और किनके किनके बीच में होगा वो तो बाद में पता चलेगा। अभी जो जीता है न्यूजीलैंड जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, तो इसमें है आपके पास कि 27 वर्षों के बाद जो है मुंबई का ईरानी कप पर कब्जा हुआ है। रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई व शेष भारत टीम के बीच जो है 61वीं ईरानी कप का जो है 5 दिवसीय मैच हुआ है, 2024 में लखनऊ में खेला गया है ना। इसमें जो है मुंबई ने ईरानी कप कब्जा कर लिया है। इनाम कितना दिया जाता है, 1 करोड़ रुपया दिया जाता है दोस्तों इनाम, है ना। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ओडीआई श्रृंखला, देखिए यह 3 गो T20 और 5 गो एक दिवसीय मैच है ना, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दौरे पे हुआ है, इंग्लैंड का दौरा हुआ है, जो T20 में श्रृंखला में जहां 1-1 से बराबरी है, वही ODI में 3-2 से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर लिया है। अगला देखिएगा तो श्रीलंका न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला जो है 2024 में, दोनों मैच में श्रीलंका ने क्या किया है, जीत हासिल कर लिया है। इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है 3 टेस्ट मैच किए गए जिसमें पाकिस्तान जो है जीत हासिल कर लिया है, इसमें इंग्लैंड से 2-1 से जीता है पाकिस्तान। और फॉर्मूला 1 रेस के बारे में जानेंगे, देखिए फॉर्मूला 1 रेस जो है अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2024 में या यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 आयोजन हुआ है, ठीक है ना, या 20 अक्टूबर 2024 को हुआ है, भारतीय समय अनुसार 21 अक्टूबर को हुआ, मतलब है ना, या जो है टेक्सास में जो है ऑस्टिन में हुआ था। और पहले दोनों स्थान जो है किनका रहा, तो फरारी टीम के चालकों के रहा, जो अब फरारी के जो है केसी क्लेकर व जो है जी सी सेज जूनियर का रहा है पहले और दूसरे स्थान। उसके बाद जो आता है वो क्या है, तो भारतोलन में आप देखेंगे दोस्तों तो राष्ट्रीय भारतोलन चैंपियनशिप 2024-25 में, यह राष्ट्रीय युवा जूनियर और सीनियर भारतोलन चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में जो है नागरोटा जो है बागवान में किया गया, 6 से 13 अक्टूबर में किया गया है ना। इसमें शामिल विभिन्न राष्ट्रीय रिकॉर्ड आयोजित किए गए हैं। इसमें दोस्तों आप बता देंगे कि जो हरजिंदर कौर ने 71 kg वर्ग में जो है स्नैच क्लीन एंड जर्क व टोटल में जो है, तथा महक शर्मा ने 87 वर्ग में स्नैच क्लीनर एंड जैक व टोटल में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित इन लोगों ने करा है। अब देखिए ये जानेंगे हम लोग टेबल टेनिस के बारे में, तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के 3 कांस्य पदक मिला है, यह 27वां है संस्करण, ठीक है। भारत को कितना मिला है दोस्तों, 3 कांस्य पदक मिला है। आइए टेबल टेनिस को टेबल के बारे में जानेंगे। टेनिस में कह रहा है कि भारत के ऋत्विक चौधरी व अर्जुन कांधे को जो है अल्माटी ओपन में युगल खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट जो आता है हम लोग का क्या है,
तो नेक्स्ट है चाइना ओपन 2024। चाइना ओपन 2024 जो है यह ओपन टेनिस टूर्नामेंट बीजिंग में होता है और एकल खिताब कार्लोस अलकराज जीतते हैं। यह कार्लोस अलकराज इसमें विजेता रहते हैं। वुहान ओपन 2024 जो है आयरन सबालेंका का एकल खिताब इसमें रहता है और यह विजेता होते हैं। शंघाई मास्टर्स 2024 जो है यानिक सिनर एकल के विजेता रहते हैं। यह चीन में होता है, 2 से 13 अक्टूबर में होता है। और 100 लेवल में शंघाई मास्टर टेनिस का एकल खिताब इटली के जो है यानिक सिनर जीतते हैं और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा कर यह जीतते हैं। फुटबॉल देखिएगा तो भारत का छठी बार जो है अंडर 17 सैफ का जो है विजेता बना है। भारत कितनी बार बना है दोस्तों? छठी बार बना है अंडर 17 का विजेता। भूटान की मेजबानी में थिम्पू में हुआ है यह, ठीक है ना, अंडर 17। और यह भारत फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को हरा कर जीत लिया है। अब आते हैं शेष पेज नंबर 172 में। देखिएगा 43 नंबर पेज है ना, यहाँ पे 43 का है शेष, तो शेष 43 का देखेंगे। अब आता है जिमनास्टिक। जिमनास्टिक में क्या है तो भारतीय जिमनास्टिक दीपा कर्माकर किस खेल से हैं तो जिमनास्टिक है। इनका जो है संन्यास की घोषणा की है। भारत की स्टार जिमनास्टिक दीपा कर्माकर 31 वर्ष की आयु में जिमनास्टिक से संन्यास घोषणा 31 अक्टूबर को कर दी है और ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर है ना। ओलंपिक 2016 में जो है शानदार प्रदर्शन कर जो है वोल्ट स्पर्धा में केवल जो है 0.15 अंक से कांस्य पदक चूक गई और एशियाई चैंपियनशिप राष्ट्रमंडल खेल में विश्व कप में पदक विजेता रही दीपा कर्माकर को भारत सरकार ने 2016 में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से और पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो वैसे हम लोगों ने पूरे प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर को समाप्त किया दोस्तों, और बाकी जो भी बच जाता है आप कहेंगे कि हाँ ये बच गया तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें तो नहीं लगता कि अब कुछ बचा होगा, आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण सफाया होगा इस करंट अफेयर दिसंबर 2024 के प्रतियोगिता दर्पण सेशन का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।